नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट पिथौरागढ़ से सामने आता हुआ, जहां पर बादल फटने की खबर सामने आ रही है और चाइना बॉर्डर के पास बादल फटने की सूचना मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कालापानी इलाके में बादल फटा है। वहीं बादल फटने से बीआरओ का पुल भी पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर पिथौरागढ़ से सामने आती हुई, जहां बादल फटने की खबर मिल रही है। चाइना बॉर्डर के पास ये बादल फटा है और तस्वीरें भी आपके सामने, पिथौरागढ़ की तस्वीरें हैं ये, जहां कालापानी इलाके के पास बादल फटा है और बादल फटने से बीआरओ का पुल भी जमींदोज हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कालापानी इलाके में बादल फटने की खबर मिल रही है और बादल फटने से बीआरओ का पुल भी पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी के स्क्रीन पर आपके सामने। तो ये पिथौरागढ़ की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से प्रदेश में लगातार बाढ़ के चलते हाहाकार मचा हुआ है, बारिश के अलर्ट को भी लगातार जारी किया गया है। उसके बाद पिथौरागढ़ में अब बादल फटने की खबर मिल रही है। खबर वाकई में काफी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि कालापानी इलाके में बादल फटने से बीआरओ का जो पुल है वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है बादल फटने से, और स्थिति है वो लगातार चिंताजनक बनी हुई है। मलबे को हटाने का भी काम अब किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये जो खबर है वो पिथौरागढ़ से सामने आ रही है, जहां पर बादल फटने से हड़कंप मच गया। और जो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, वो जनता टीवी की स्क्रीन पर आपके सामने। चाइना बॉर्डर के पास बादल फटने की खबर मिल रही है और कालापानी इलाके में बादल फटा है। आपको बता दें कि बादल फटने से बीआरओ का ये जो पुल है वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है, और इस पुल के जमींदोज होने के बाद किस तरह का मलबा वहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरह की वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी की स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर आपके सामने। वहीं चाइना बॉर्डर के पास कालापानी इलाके में ये बादल फटने की खबर सामने आई है, और चाइना बॉर्डर के पास है ये इलाका जहां पर बादल फटा है। बादल फटने से बीआरओ का जो पुल है वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। तो बादल फटने से बीआरओ का पुल जमींदोज हो चुका है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी की स्क्रीन पर। उधर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों की वर्चुअली माध्यम से बैठक ली, और बैठक बारिश के कारण प्रदेश में किसानों की फसलों को हुए नुकसान के संबंध में थी। बैठक में सचिव कृषि के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य कृषि अधिकारी तथा मुख्य उद्यान अधिकारी वर्चुअली माध्यम से जुड़े, और मंत्री ने कृषि सचिव को निदेशालय स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। साथ ही इस बात पर जोर भी दिया गया कि अधिकारी लगातार किसानों के संपर्क में रहें। वहीं मंत्री ने आगे कहा कि सभी जिलों में स्थिति सामान्य होने पर भी सही आंकड़े प्राप्त कर सकेंगे। इस संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। कोई भी किसान अगर मुआवजी के लिए आता है तो संतुष्ट होकर जाना चाहिए कि भारत सरकार के मानक के अनुरूप हम उनको मदद कर रहे हैं। कहीं प्रदेश के स्तर से मदद होगी तो मुख्यमंत्री से हम बातचीत करेंगे। ऐसे समय में किसानों के साथ दिखना चाहिए कि हम लोग व्यापार विभाग जो है किसानों के साथ में खड़ा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा नदी पर बने भीमगौड़ा बैराज और क्षतिग्रस्त हुए पुल का निरीक्षण किया। बताना चाहेंगे कि हरिद्वार के अनेकी हितमपुर में रो नदी के क्षतिग्रस्त पुल से आवाजाही बंद होने के चलते लोहे का वैली पुल बनाया जा रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि नया ब्रिज बनाने के लिए भी डीपीआर तैयार किया जा रहा है और इसको लेकर 25 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। वहीं पुल को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सभी विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। हम लोग भीमगोड़ा बैराज में खड़े हुए हैं और यहाँ पर ये एक रस्सी के टूटने से एक स्लूस गेट डैमेज हो गया है, और ये गेट डैमेज हो गया है, परंतु इस समय क्योंकि पानी की निकासी हो रही है तो पानी को रोकने का इस समय कोई प्रश्न नहीं है। जितना पानी फ्लो करे तो उतना पानी नीचे बह जाएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मंत्री जी को आज ही लेटर लिखा है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो सिंचाई मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह जी को प्रार्थना की है कि इसको जल्दी से जल्दी बनवाया जाए, और भी गेट जो यहाँ पर जो डैमेज हो रहे हैं उनको प्रस्तावित हैं कि ताकि वो रिपेयर हो जाएं, तो जल्दी ये रिपेयर हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी भी व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने रुड़की सिविल लाइन्स स्थित निजी होटल में अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में जलभराव और अन्य मुद्दों को लेकर जमकर फटकार भी लगाई। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जहां भी जलभराव की स्थिति हो रही है उसका समाधान तत्काल प्रभाव से किया जाए। इसके साथ ही सांसद ने यह भी कहा कि एक आपदा है जिससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। उधर उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की आशंका है। इसको लेकर येलो अलर्ट को भी जारी कर दिया गया है और आपको बताना चाहेंगे कि मौसम विभाग ने लोगों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं कि बिना जरूरत घरों से बाहर ना निकले। तो प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल दी है और लोगों को दिशा निर्देश देते हुए यह उनसे अपील की गई है कि जब तक जरूरत ना हो वो घरों से बाहर ना निकले। देवभूमि में त्राहिमाम मचा हुआ है और जिस तरह की तस्वीरें हैं वो लगातार हम जनता टीवी के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पहाड़ पर भूस्खलन बढ़ने की भी आशंका बनी हुई है और ऐसे में लोगों को लगातार ये निर्देश दिए जा रहे हैं, लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि जरूरत पड़ने पर ही वो घरों से बाहर निकले। भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट को भी जारी कर दिया गया है आगामी दिनों के लिए और देवभूमि में अभी और भी ज्यादा त्राहिमाम होने की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेता हुआ नजर आएगा और लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि जब तक बहुत जरूरी कोई काम ना हो तब तक वो अपने घरों से ना निकले और घरों में ही सुरक्षित रहें। बीते कुछ दिनों में प्रदेश से जो भी तस्वीरें सामने आई वो बाकी में काफी ज्यादा चिंताजनक थी और नदियों के उफान पे होने पर चलते बाढ़ की स्थिति भी लगातार बनी हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज जुड़ चुके हैं। तो यशराज, प्रदेश में स्थिति जो है वो लगातार चिंताजनक बनी हुई है, मौसम विभाग ने अलर्ट को भी एक बार फिर से जारी किया है और एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा उत्तराखंड में। बारिश हो रही थी, वहीं अभी यदि बात की जाए एक आज की तो आज देहरादून प्रदेश में जो उत्तराखंड की राजधानी है यहाँ पर बारिश हल्की हल्की सी धूप देखी जा रही है, धूप की नहीं हुई है तो लोग इस प्रकार से यहाँ पर काफी प्रसन्न है कि यहाँ पर काफी दिनों के बाद एक अच्छी सी धूप खिली है क्योंकि लगातार 6 दिनों से बारिश देहरादून में भी हो रही थी। वहीं यदि बात की जाए पहाड़ों पर तो पौड़ी और गढ़वाल में भी लगातार बारिश अभी भी हो रही है लेकिन भारी चेतावनी भी दी गई है और यदि पौड़ी की बात करें तो पौड़ी में कई जगह पर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं ऑरेंज अलर्ट भी ऋषिकेश में ऑरेंज अलर्ट जारी करके वहां पर प्रशासन को सख्ती से तैनात रहने का आदेश दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार यहां पर विभागों का समीक्षण भी किया जा रहा है, विभागों को देखा जा रहा है, आपदा विभाग को आकर के लगातार बैठक भी किया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अधिकारी और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जो भी रहे यहाँ पर वो पूरी तरीके से तैनात रहे, मुस्तैद रहे और पहाड़ों पर डॉक्टरों की भी सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। वहीं स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आनी चाहिए, प्रशासन को मुस्तैदी से काम करना चाहिए क्योंकि लगातार भारी बारिश होने के कारण मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है सभी अपने मंत्रियों को कि वो अपने अपने और विधायकों की कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाए और अपने अपने क्षेत्र का मुआयना करें और वहां पर जो भी विषम स्थिति हो रही है उसको अनुकूल करने का वो प्रयास करें। तो इस प्रकार से आपदा को लेकर सभी कोई चिंतित है क्योंकि कई जगह पर पहाड़ चट्टान टूटकर नीचे भी गिर गए हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं, करीब 287 रास्ते अभी तक बंद हो चुके हैं, उसके बाद उन रास्तों को खोलने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वहीं यदि बात की जाए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की भी तो वो भी अपने क्षेत्र में लगातार हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सतपाल महाराज दिल्ली के भ्रमण पर थे लेकिन उत्तराखंड वो आकर के अपने क्षेत्र में वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और उनकी कठिनाइयों को सुन रहे हैं। वहीं तमाम मंत्रीगण की यदि बात की जाए तो सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के वो उनकी परेशानियों को देख रहे हैं। वहीं कई जगह यह भी देखा गया कि मंत्री विद हो चाहे वो विपक्ष के लोग हों वही सभी जगह ट्रैक्टर से या अन्य किसी साधनों के द्वारा हेलीकॉप्टर के द्वारा वो जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री पौड़ी और गढ़वाल में एक एक हेलीकॉप्टर को रखा गया ताकि आपात स्थिति में लोगों को लाने ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दी गई। यदि कभी आपात स्थिति होती है तो हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू किया गया और साथ ही साथ लोगों को मैदानी क्षेत्र या जहां पर सुविधा उपचार के लिए सुविधाजनक जगह पर लाया जाए। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ नजर गड़ाए हुए अपने राज्य पर
तरीके से मुख्यमंत्री लगातार आपदा केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार सचिवालय में जा रहे हैं और मंत्री और विभागों के साथ लगातार बैठक भी करते जा रहे हैं और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि किसी भी व्यक्ति, उत्तराखंड के कोई भी व्यक्ति, इस बार जो आपदा आ रही है, बाढ़ हो रही है, लगातार भारी बारिश हो रही है, इसमें वो इस कारण से वो प्रभावित ना हो, इसके लिए सरकार युद्ध स्तर पर भी काम कर रही है। जी मनीषा, बिल्कुल यशराज, तो भूस्खलन की स्थिति भी लगातार बनी हुई है, पहाड़ों के दरकने की स्थिति भी बनी हुई है। ऐसे में जो कांवड़िए अभी प्रदेश में फंसे हुए हैं या जो श्रद्धालु अभी तक नहीं निकल पाए हैं, उनके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मनीषा की प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो भी ऐसे व्यक्ति हैं, जो सबसे बड़ी बात, यदि SDRF और NDRF की टीम को तैनात होने का दिया गया, यदि वो अपने स्थल पर, अपने जगह पर वो मौजूद नहीं है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिल रही है। यदि बात की जाए कांवड़ियों की, तो कांवड़ियों की संख्या इस साल अभी तक में सबसे ज्यादा हो चुकी है, पिछले साल के बनिस्पत सबसे ज्यादा कांवड़िए यहाँ पर आ चुके हैं और जल भर रहे हैं। वहीं लगातार बारिश की जो स्थिति बनी हुई है, बारिश स्थिति बनने के कारण हरिद्वार और ऋषिकेश जो मुख्य कांवड़ियों का जल भरने का जगह है, वहां पर काफी ज्यादा बारिश के कारण गंगा का जलस्तर काफी ऊंचा उठ गया है और काफी ज्यादा बहाव भी, गंगा नदी में काफी बहाव देखा जा रहा है। इसको लेकर SDRF और NDRF टीम पूरी तरीके से तैनात है। वहीं DGP अशोक कुमार ने भी स्पष्ट रूप से कहा, और कुछ दिन पहले अशोक कुमार हरिद्वार भ्रमण पर भी थे, ऋषिकेश भ्रमण पर वो लगातार जा रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि कहीं किसी कांवड़ियों के साथ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कहीं आने जाने में परेशानी तो नहीं हो रही है। इस प्रकार से यदि देखा जो जा रहा है तो कांवड़ियों की भी व्यवस्था सही तरीके से की गई है। वहीं मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाह रहा हूँ कि पहाड़ों पर जो भी व्यक्ति जो चारधाम यात्रा में जा रहे हैं या जो व्यक्ति श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में आए हैं, यदि उनकी बात की जाए तो अभी बिल्कुल ठीक है यशराज, तो पल पल का आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ। उधर उत्तराखंड में लगातार बरसात नई मुसीबतें और चुनौतियां लेकर आ रहा है और इससे निपटने का शासन से लेकर प्रशासन तक हर दिन युद्ध स्तर की मुस्तैदी दिखाई दे रही है। वहीं गुप्तकाशी में विद्याधाम आश्रम के नीचे गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास सड़क के लगातार धंसने के चलते मात्र 6 फुट की सड़क ही चलने योग्य बची है और इसके बाद अब और भी ज्यादा धंसने की संभावना बनी हुई है। इस दौरान SHO ने राहगीरों और यात्रियों को सचेत रहने के लिए सड़क पर पत्थर और कच्चे लगाकर मार्किंग भी की है। तो सड़क किस तरह से धस रही है उसकी तस्वीरें आपके सामने, और आपको बता दें कि मात्र 6 फुट की सड़क ही बची हुई है अब चलने योग्य और सड़क के धंसने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में सड़क धंसने की संभावना भी बनी हुई है और इसको लेकर बोरियां भी मार्क करने के लिए बनाई गई है। उधर देहरादून में बारिश के बाद डेंगू की दस्तक हो चुकी है और डेंगू के मामले आने के बाद नगर निगम भी नींद से जाग चुका है और रोकथाम के लिए अब नगर निगम ने अधीनस्थों को दिशा निर्देश जारी करना भी शुरू कर दिए हैं। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही नगर आयुक्त ने डेंगू के मच्छर का लार्वा नष्ट करने के निर्देश दिए हैं और इसको लेकर मेयर सुनील उनियाल गामा ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि हर टीम अपने क्षेत्र की खाली या निर्माणाधीन इमारतों की सूचना क्षेत्रीय सुपरवाइजर को देगी और क्षेत्रीय सुपरवाइजर उक्त स्थान पर डेंगू की रोकथाम के लिए प्रयासरत रहेंगे। नगर निगम और अपना स्वास्थ्य विभाग जो है, जो हमें अभियान चलाना चाहिए, जागरूकता वार्ड वार्ड जो है, मोहल्ले मोहल्ले घर घर जाके जो है हमारा जो अभियान है हमने प्रारंभ किया है कि घर में जहाँ भी जो है पानी इकट्ठा होता है, चाहे कूलर है, चाहे जो हमारा एक हफ्ते तक जो पानी हम इकट्ठा करते हैं, उसको सभी से अनुरोध किया जा रहा है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी यशराज आनंद का, जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यशराज, तो अब पहाड़ी क्षेत्रों में अभी तक बाढ़ की स्थिति तो बनी हुई थी, लेकिन अब बारिश के बाद जो बीमारियां फैलती हैं उनकी भी दस्तक हो चुकी है और डेंगू भी लगातार खतरा बनके अब प्रशासन की नींद उड़ाने लगा है। जी मनीषा बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि बारिश के बाद की जो स्थिति रहती है वो अपने आप में एक संघर्षशील स्थिति रहती है, क्योंकि शासन प्रशासन स्तर से लेकर नगर निगम से लेकर के यदि बात की जाए तो आम जनजीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली जिंदगी बारिश के बाद की जिंदगी आती है, क्योंकि इस बारिश के बाद क्या होता है कि लगातार डेंगू जैसे बीमारी बढ़ने लगती है और डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो बहुत जल्दी से फैलती है और डेंगू ये एक बीमारी है, ये सबसे बड़ा वजह जो होता है ये जमा पानी होने की वजह से होता है। और जैसे उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो चूंकि कहीं पहाड़ी क्षेत्र कहीं मैदानी क्षेत्र है
तो यहाँ पर अभी क्योंकि जहाँ जहाँ जब पर बारिश नहीं हो रही है वहाँ पर गर्मी भी कुछ आने लगी है, तो गर्मी के कारण लगातार लोग एसी, पिछले कुछ दिनों से एसी बंद कर रखे थे, कूलर बंद रखे थे, लेकिन अब गर्मी पड़ने के कारण लोग कूलर और एसी का उपयोग करने जा रहे हैं। वहीं पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्पष्ट रूप से देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि डेंगू के खतरे जो बढ़ते जा रहे हैं लगातार, इस डेंगू के खतरे को बढ़ने के को घटाने के लिए लगातार छिड़काव भी किया जा रहा है और सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। जन जन तक लोगों को बात आवाज पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी प्रस्तुतिकरण किया जाएगा ताकि लोग सतर्क हो और डेंगू से बचाव हो। वहीं डॉक्टरों की टीम ने स्पष्ट रूप से कहा कि डेंगू वहीं पर फैलती है जहां पर जमा पानी रहता है, जहां पर मच्छर के लार्वा होते हैं, यानी डेंगू मच्छर वो आते हैं और उस लार्वे में जन्म लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जमा पानी को नहीं रखना चाहिए। वहीं यदि बात की जाए तो जमा पानी से तो सबसे बड़ा वजह जमा पानी का है फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, इन सभी में क्या करते हैं लोग कि पानी छोड़ देते हैं और बहुत दिनों तक पानी जमा रहता है जिसके कारण से डेंगू जैसे मच्छर पनप लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो डॉक्टरों की टीम जो दून अस्पताल के एमएस हैं यूसुफ रिजवी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि डेंगू के मच्छर जो थे वो इतने ही खतरनाक होते हैं कि यदि घर में डेंगू के मच्छर प्रवेश कर जाएं तो बिना डेंगू के वो मच्छर बिना इंसान को काटे हुए वो बिल्कुल घर से वापस नहीं जाते हैं। अन्य मच्छर की यदि बात की जाए तो वो मच्छर को यदि आप बाहर करेंगे तो वो बाहर चला भी जाता है, लेकिन डेंगू के मच्छर में यह एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है कि वह डेंगू के मच्छर लोगों को काट कर ही वो बाहर जाते हैं, उसके बाद फिर दूसरे लोगों को संक्रमित करते हैं। तो इस प्रकार डेंगू का एक मच्छर कई लोगों को संक्रमित करता है, इसीलिए लगातार सुनील उनियाल गामा और शासन इस पर युद्ध स्तर से काम कर रहे हैं। और डेंगू के मरीजों को यदि बात की फैलने की तो अस्पताल की भी यदि बात की जाए तो अस्पतालों में अलग से एक वार्ड भी बना दिया गया है डेंगू वार्ड करके। इस वार्ड में करीब मच्छरदानी की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है और डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। 24 घंटे इस डेंगू वार्ड में डॉक्टर मौजूद रह रहे हैं और लगातार पेशेंट को देख रहे हैं। वहीं यदि डेंगू में बात की जाए तो डेंगू में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, डेंगू के बाद चिकनगुनिया भी बहुत बड़ी एक समस्या का रूप धारण कर रहा है जो सरकार के लिए जरूर कहीं ना कहीं नाकों चमने चबाना पड़ता है। यह एक स्थगित स्तर पर काम होती है, इसमें यदि सरकार नाकामी हो जाती है तो इसको काफी ज्यादा इसका प्रभाव आम नागरिक पर पड़ता है। तो आम नागरिकों को बचाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर अभी काम कर रही है। बिल्कुल जी जी, तो इसी जी बिल्कुल यशराज, तो शासन प्रशासन ने तो तैयारी पूरी कर ली है, नगर निगम भी पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है, तमाम साफ सफाई के कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि अब डेंगू के बाद चिकनगुनिया का भी खतरा बना हुआ है, इन तमाम स्थितियों को देखते हुए वहां का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कितना अलर्ट? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार से मेरी पिछले दिनों हुई बात हुई, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हर एक अस्पताल में एक एक डेंगू मरीज एक डेंगू वार्ड बनाने की बात कही गई है। वही डेंगू के बाद चिकनगुनिया जो सबसे बड़ी बीमारी हो जाती है, बरसात के कारण होती है, इसको भी समाप्त करने के लिए लगातार डॉक्टरों को रखा जा रहा है। वहीं नर्स को भी अलर्ट किया गया है, छुट्टियां उनकी रद्द कर दी गई हैं। तमाम डॉक्टरों को यह बोला जाए, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र के डॉक्टर हो चाहे वो मैदानी क्षेत्र के डॉक्टर हो, यहाँ पर अलर्ट मोड में रखा गया है क्योंकि चिकनगुनिया और डेंगू जैसे मरीज लगातार बढ़ जा रहे हैं। यदि अभी हाल ही फिलहाल में बात की जाए तो कई अस्पताल ऐसे हैं जहाँ के डेंगू के मरीज आ चुके हैं, जहाँ के डेंगू वार्ड अभी खाली नहीं पड़ रहा है। वहीं डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी चिकित्सालयों, चाहे वो जिला स्तर के चिकित्सालय हो, सभी जगह यह स्पष्ट रूप से बोला गया है कि वो अपनी स्थिति को सुधारें, डॉक्टर लगातार काम पर आए। जी बिल्कुल यशराज, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उधर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून स्मार्ट सिटी की ओर से किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया है और इस दौरान स्मार्ट सिटी के कार्यों में कई खामियां मिलने पर अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगी। इसको दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों ने मंत्री डॉक्टर अग्रवाल से 2 दिन का समय मांगा है और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जहां एक ओर सरकार देहरादून नगर सहित पूरे प्रदेश के विकास के लिए सराहनीय कार्य कर रही है तो वहीं अधिकारियों की कार्यशैली संतोषजनक नहीं है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों से भी स्मार्ट सिटी के कार्यों का फीडबैक लिया, इसके बाद कार्यों को शीघ्र करने के निर्देश भी दिए हैं। काम जिस प्रकार से चल रहे हैं उसमें ये बात तो ठीक है, काम उसको थोड़ा सा अभी गति पकड़ रहा है, बारिश के कारण थोड़ा दिक्कतें आई हैं, लेकिन मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से ये है कि सुरक्षात्मक दृष्टि से भी ये काम होने चाहिए थे। अब ऐसी स्थिति में जब इन्होंने काम पूरे नहीं किए सुरक्षात्मक दृष्टि से, वो मुझे थोड़ा लापरवाही दिख रही है। ऐसे में कोई अनहोनी घटना ना हो जाती तो उसको लेकर मैंने इनको बहुत कड़ाई से निर्देश दिए, कम से कम बैरिकेडिंग लगे, जहाँ स्लैब पड़ने चाहिए वहाँ स्लैब पड़े, जो गड्ढे जिस प्रकार से मुझे मिल रहे हैं पानी घुसाया कोई गिर जाए तो दिक्कत आएगी।
उत्तराखंड में अग्निवीर योजनाओं को युवाओं के हितों से खिलवाड़ करार देते हुए कांग्रेस इसका उत्तराखंड में पुरजोर विरोध करेगी और इसी कड़ी में कांग्रेस पूरे प्रदेश में पैदल यात्रा कर युवाओं को इस योजना के नुकसान के संबंध में जानकारी देगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी इस पदयात्रा में शामिल होंगे और राहुल गांधी यात्रा में 10 दिनों तक हिस्सा लेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी का मानना है कि अग्निवीर योजना युवाओं के साथ ही नहीं बल्कि देश के साथ भी बड़ा धोखा है और देश की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है। बीजेपी के प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि कांग्रेस कितनी भी पदयात्रा क्यों ना कर ले और कितनी भी भ्रम अफवाहें क्यों ना फैला लेकिन युवाओं के भविष्य के लिए ये एक अच्छी योजना है। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है सामने चमोली से। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं चमोली से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया है और करंट लगने से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आ रही है, मौके पर पुलिस की टीम भी मौजूद है। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में लगातार हादसों की खबर सामने आती रहती है, वहीं एक बार फिर से यहां पर एक हादसा हो गया है जहां करंट लगने से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, वहीं एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है। वहीं इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अपने सहयोगी नवीन का रुख कर लेते हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो नवीन, चमोली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में ये हादसा हुआ है, करंट लगने से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, एक की मौत भी हो गई है, क्या कुछ ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चमोली में अभी कुछ देर पहले ही हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बताया जा रहा है जिसमें करंट लगने की सूचना प्राप्त हो रही है, उसमें एक लोग की मौत की खबर आ रही है। हालांकि अभी तक ये इन बातों की पुष्टि नहीं हुई है। जो आला अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है और जो झुलसे हुए लोग हैं उनका पीपलकोटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है और घटना के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अभी घायल हैं उनका सबसे पहले इलाज कराया जाए, टीका उपलब्ध कराया जाए, यह सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही जो जांच होगी, जांच में सामने आएगा कि क्या कुछ कारण रहे हैं जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। ठीक है नवीन, तो वहां पर हम कहेंगे बिल्कुल। ठीक है नवीन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में ये हादसे की खबर सामने आई, करंट लगने से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, वहीं एक व्यक्ति की इस पूरे हादसे के दौरान मौत भी हो गई है। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।